पहले इस चीज़ को सुन रहे थे आपके तरफ से या फिर जेएमएम के तरफ से कि बड़ा भाई कौन होगा और कौन छोटा भाई होगा, लेकिन अब जब कांग्रेस की जो सीट थी उस पर अगर जेएमएम दावा कर दे तो ये तो लोगों को लगेगा ना कि भाई चल क्या रहा है, क्या झारखंड में दूसरी तस्वीर राजनीति की दिख सकती है लोकसभा चुनाव के पहले। संगठन का किसी संगठन में विलय नहीं हुआ है, गठबंधन हुआ है। तो अगर हम अपने संगठन को मजबूत नहीं करके रखेंगे 14 सीटों पे, तो उनको कैसे मदद कर पाएंगे? क्योंकि आपने भी 14 सीटों पे प्रभारी नियुक्त कर दिया और उसके बाद जो है जेएमएम के अंदर से एक चर्चा छिड़ी और थोड़े दिनों के बाद आप जो बोल रहे हैं कि मीडिया में इस तरीके का बयान नहीं है, मीडिया में बकायदा बयान आया है। हमारे गठबंधन को लेकर के नहीं आप चिंतित होंगे, लेकिन देश को लेकर के तो चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि आप भी चौथे स्तंभ हैं और चौथा स्तंभ तभी मजबूत होगा जब देश मजबूत होगा। लेकिन ये जो दावा जिस तरीके से इंडिया अलायंस को लेकर के दिल्ली में हो रहा है, अलग अलग बैठकें मुंबई में हो या फिर पटना में हो, ये किया जा रहा है, और उस बीच अगर आपसी खींचतान जैसी चीज़ें अगर बाहर निकल कर के आती है तो पत्रकारों का एक काम है कि आपसे सवाल पूछे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगभग सभी राजनीतिक दल जुट गए हैं। हमारे साथ राजेश ठाकुर हैं, झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। ठाकुर जी, आप लोग जो सरकार में हैं जेएमएम के साथ आरजेडी के साथ, पिछले दफ़ा जो कई सारी सीटें आपके हिस्से में गई थी उस पर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा कर दिया है, खास करके अगर चाईबासा की बात करें, लोहरदगा की बात करें, खूंटी की बात करें, तो ये किस तरीके से अभी से जो अगर दावा हो रहा है, दावेदारी की बात जहाँ तक है ये सूत्रों के हवाले और मुखबिरों के हवाले से है। किसी ने मीडिया में अब तक ये बयान नहीं दिया है कि हम लोहरदगा लड़ेंगे, खूंटी लड़ेंगे, चाईबासा लड़ेंगे। हाँ, ये ठीक है कि कई लोग संगठन से ऊपर हट करके बात करते हैं तो वो उनका संगठन संज्ञान लेगा। हम समझते हैं कि सभी लोगों की एक मनोभावना होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़े, और उस निमित्त वो कई बार इस तरह की बातें करते हैं। कार्यकर्ता जो होते हैं उनकी मंशा होती है, हमारे कार्यकर्ताओं की मंशा है 14 सीट पर चुनाव लड़े, जेएमएम के कार्यकर्ताओं की मंशा है 14 सीट पर चुनाव लड़े, तो इस तरह की सारी बातें होंगी और उसके बाद हम लोग ये तय करेंगे कि कौन किस पे लड़ेगा। क्या ये गठबंधन के भीतर सीटों को लेकर के अभी से खींचतान है, क्योंकि आपने भी 14 सीटों पे प्रभारी नियुक्त कर दिया और उसके बाद जो है जेएमएम के अंदर से एक चर्चा छिड़ी और थोड़े दिनों के बाद आप जो बोल रहे हैं कि मीडिया में इस तरीके का बयान नहीं है, मीडिया में बकायदा बयान आया है। नहीं, ये ठीक है, तो संगठन है ना सबका अपना अपना, किसी संगठन का किसी संगठन में विलय नहीं हुआ है, गठबंधन हुआ है। तो अगर हम अपने संगठन को मजबूत नहीं करके रखेंगे 14 सीटों पर, तो उनको कैसे मदद कर पाएंगे? कल चुनाव में जाएंगे, हमारा बूथ पे कार्यकर्ता नहीं रहेगा तो जेएमएम को कैसे मदद होगी, और जेएमएम का कार्यकर्ता बूथ पे नहीं रहेगा तो कांग्रेस को मदद किस प्रकार मिलेगी? तो इसलिए ये ताना बाना रहना आवश्यक है, और निश्चित रूप से सभी लोगों की पार्टी है, सब लोग 14 सीटों पर चुनाव लड़ते हैं तो उनकी भी भावना है और उस पर वो भी बात करते होंगे, लेकिन जब हम लोग सब लोग साथ बैठेंगे और हमारे आलाकमान सब लोग बैठेंगे तो वो तय हो जाएगा। मैं जानता हूँ कि आप लोगों की चिंता विशेष इसलिए है कि देश में जिस तरह का त्राहिमाम मचा हुआ है, पत्रकार मित्रों को सताया जा रहा है, जिस तरह से महंगाई डाइन खाए जाते हैं, जिस तरह से बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, निश्चित रूप से सभी लोगों की मनोभावना है कि हम पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़े और ऐसा चुनाव लड़े कि हम केंद्र की सत्ता में आ सके, तो उस निमित्त चिंता आपकी लाजमी है और उसका हम लोग पूरा ख्याल रखेंगे कि कहीं कोई गठबंधन में किसी बात को लेकर दरार नहीं पड़े। मेरी निजी तौर पे चिंता या फिर पत्रकारों की चिंता दूसरी बात है, वो क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं, लेकिन ये जो दावा जिस तरीके से इंडिया अलायंस को लेकर के दिल्ली में हो रहा है, अलग अलग बैठकें मुंबई में हो या फिर पटना में हो, ये किया जा रहा है, और उस बीच अगर आपसी खींचतान जैसी चीज़ें अगर बाहर निकल कर के आती है तो पत्रकारों का एक काम है कि आपसे सवाल पूछे। वही सवाल है कि भाई अगर दिल्ली के लोग अगर तय कर रहे हैं कि एक साथ लड़ना है और यहाँ पे बयान अलग अलग आ रहा है तो जनता जो है दूसरे तरीके से सोचने लगती है, और हम लोग तो जनता के लिए बात करते हैं, उनका सवाल लेके। ये हम लोगों की खास बात है कि हम पत्रकारों का बहुत सम्मान करते हैं, हम प्रधानमंत्री नहीं हैं जो कभी पत्रकारों का सामना नहीं किया, हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, जेएमएम के लोग जो हैं आप जानते हैं कितने संजीदा लोग हैं, तो हम लोग आप सवाल पूछेंगे तो जवाब तो देंगे,
उसमें कई बार आपको ये लगता है कि इस भटकाव की स्थिति है, लेकिन पहले भी जब गठबंधन विधानसभा चुनाव के वक्त हो रहा था तब भी इस तरह के सवाल पूछे जाते थे, हम लोग जवाब देते थे, लेकिन जब गठबंधन करना था तो कर भी लिया और सरकार भी बना ली। उसी प्रकार हम लोग सारी योजनाबद्ध तरीके से जैसे सारी चीज़ें चलती है वैसे ही चल रही है, कहीं किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आप कह रहे थे कि हमारे गठबंधन को लेकर के नहीं आप चिंतित होंगे, लेकिन देश को लेकर के तो चिंतित होना लाजमी है, क्योंकि आप भी चौथे स्तंभ हैं और चौथा स्तंभ तभी मजबूत होगा जब देश मजबूत होगा। तो देश की मजबूती के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको लगता है कि आने वाला परिणाम सुखद होगा और आप सबों के लिए होगा। एक चूँकि देखिए क्या है ठाकुर जी, कि लोग पहले इस चीज़ को सुन रहे थे आपके तरफ से या फिर JMM के तरफ से कि बड़ा भाई कौन होगा और कौन छोटा भाई होगा, लेकिन अब जब कांग्रेस की जो सीट थी उस पर अगर JMM दावा कर दे तो ये तो लोगों को लगेगा ना कि भाई चल क्या रहा है, क्या झारखंड में दूसरी तस्वीर राजनीति की दिख सकती है लोकसभा चुनाव के पहले। देखिए इस तरह की कोई बात नहीं है, ठीक है राजनीति है तो इसमें तमाम तरह की संभावनाएं व्यक्त की जाती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि इस तरह की बातें आती रहेंगी जब तक कि गठबंधन की सीटें अनाउंस नहीं हो जाएगी और सभी कार्यकर्ताओं की मनोभावनाओं का ख्याल रखना ही होगा, तो इसलिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम साथ साथ हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि हम साथ साथ हैं और बहुत ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जहां तक सीटों को लेकर के दावे की बात है तो जब तक सीटों का अलॉटमेंट नहीं हो जाता है हर दल को ये अधिकार है कि वो अपने अपने हिसाब से अपने हक अधिकार की बात करें। शुक्रिया। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in.